हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास मार्जिन चाहिए होगा आज। और इसमें आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, क्या चार्ट पैटर्न है, क्या टेक्निकल एनालिसिस है, कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करना है। बस एक सिंपल टेक्निक बताऊँगा, वो लगाना है और 12, 12:30 और 1 बजे तक मैक्सिमम इस ट्रेड करना है। उसके बाद ट्रेड नहीं करना, उससे पहले अपने मार्केट से निकल जाना है। लेकिन अपने आप से प्रॉमिस करना है कि उसके बाद मार्केट में दोबारा नहीं आएंगे, पीसी मोबाइल कुछ ऑन नहीं करेंगे, बेनिफिट लेंगे और निकल जाएंगे। बहुत ही सिंपल टेक्निक है दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ। मैं चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। मैंने ये 2 जैन का ये ऑप्स्ट्रा खोल रखा है दोस्तों। ऑप्स्ट्रा एक पेड वर्जन सॉफ्टवेयर है, इसमें आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। जो भी आप ट्रेड लेने वाले हैं उसका टेस्ट करके देख सकते हैं कि आप अगर इस ट्रेड को लेंगे तो बेनिफिट करेगा या लॉस करेगा। तो मैंने 2 जैन की डेट ले रखी है, जिसकी एक्सपायरी है 5 तारीख की। और आपके लिए मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है। देखिए, 2 जैन 3 जैन हम इस डेट को ये अपने स्ट्रेटेजी करेंगे। और मेरा टारगेट क्या रहेगा, पहला दूसरा तीसरा मैं बताता जाऊँगा आपको। टोटल प्रॉफिट क्या रहेगा, लॉस क्या रहेगा, वो आपको बताऊंगा मैं। डियर, जैसे लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि मेरा ये वीडियो जो है स्मॉल ट्रेडर्स के लिए है, तो पहला टारगेट मैं 500 का ही रखता हूँ अपने छोटे ट्रेडर्स के लिए। जो रिस्क लेना चाहते हैं वो सेकंड टारगेट तक जा सकते हैं। सेकंड टारगेट 1,000 रुपये का भी हो सकता है, 1,500 का भी हो सकता है, वो रिस्की ट्रेडर्स के लिए। लेकिन छोटे ट्रेडर्स के लिए जो अपनी रिकवरी कर रहे हैं, उनको 500 तक मिलते ही मार्केट से निकल जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें करना क्या है आपको, मैंने 2 जैन की डेट ली है, 5 की एक्सपायरी है और टाइम हो रहा है 9:20। मार्केट चल रहा है 18,113 रुपये पे। 9:20 पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, आगे बढ़ाएंगे टाइम को थोड़ा और देखेंगे मार्केट का एटीएम प्राइस क्या चल रहा है। अभी एटीएम है 18,131। तो दोस्तों, हम इसको राउंड फिगर में लेंगे, या तो 18,100 या 18,200, इस तरह बीच का नहीं लेंगे। जो 50 वाला फिगर होता है ना, उसमें लिक्विडिटी नहीं होती है, हम उसको नहीं लेंगे। हम टाइम को आगे बढ़ाते हैं। 5:30 हो गए हैं, अभी मार्केट चल रहा है, देखिए 18,101 पे, ये एक सही फिगर आ गया है। तो हम क्या करेंगे, 18,100 पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपने एटीएम पकड़ना है, 18,100 पे एटीएम लेना है आपने, और वो 2 लॉट लेने हैं। 2 लॉट में आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एड पोजीशन करेंगे, 18,100 का हमने सी 2 लॉट ले लिया है। अब हम सेम 18,100 का पी भी सेम एटीएम पे 2 लॉट परचेस करेंगे। दोस्तों, इसमें आपका टोटल मार्जिन लगने वाला है, देखिए 20,455 रुपये, जो आपको मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है। लेकिन हमें इतना रुकना ही नहीं कितना लॉस हो हमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं 5-5 मिनट आगे बढ़ाता हूँ और देखते हैं हमें कितनी जल्दी हमारा टारगेट्स मिलते हैं। चलिए बढ़ाते हैं आगे। 9:35 का टाइम हो गया है, हमें 5 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, आगे बढ़ाएंगे। मैं 5-5 मिनट आगे चलूंगा डियर, 270 रुपये। देखिए, पहला टारगेट अचीव, 730। मैंने आपको बोला था कि 500 के आते ही हम निकल जाएंगे। अभी जो जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो अपनी रिकवरी कर रहे हैं, अमाउंट जिनके पास कम है, वो यहाँ निकल सकते हैं। मैं पहला टारगेट डाल देता हूँ यहाँ पे 730 रुपये का, ठीक है। अब जिनको रिस्क लेना है, जो चाहते हैं नहीं हम देखेंगे आगे हम ले जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ चलते हैं। और इसमें मैं बीच में एक आपको टिप भी दूंगा इसके बाद, जो बहुत काम किया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 1,035, मैंने कहा था पहला टारगेट 500, दूसरा 1,000 से 1,500 के बीच में। सेकंड टारगेट अचीव हो गया है, आगे बढ़ते हैं। 2 तारीख का हम ट्रेड ले चुके हैं, बेनिफिट निकाल लिया हमने 1,000 रुपये का। अब हम 3 तारीख को आते हैं, एक्सपायरी रहेगी 5 तारीख सेम। अब इसमें देखते हैं, 9:20 हो गए हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको 5 मिनट, 18,173, और आगे बढ़ाते हैं 5 मिनट, 18,161 पे है। ये भी हमें नहीं चलेगा, अभी हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। एटीएम देखते हैं क्या चल रहा है, ये देखिए 18,187, मतलब 18,200 के नियर बाय पहुंच गया है। तो अब हम ट्रेड लेंगे यहाँ से 9:35 बजा के। तो एटीएम क्या रहेगा हमारा, 18,200, 18,200 पे आते हैं, 2 लॉट लेंगे सी के। अब 18,200 पी पे जाते हैं, सेम एटीएम रहेगा और 2 लॉट लेंगे हम पी के। तो दोस्तों, इसमें हमारा टोटल मार्जिन लग रहा है 17,180 रुपये का। टाइम हुआ 9:35, हमने स्टार्ट किया ट्रेड। अब हम 5-5 मिनट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे टारगेट्स कब निकलते हैं। 5 मिनट आगे बढ़ाया, देखिए आगे बढ़ाते हैं, हमें लॉस है।
फिर लॉस है। 9:50 हो चुके हैं, 9:55, और अभी हम कंट्रीज लॉस में चल रहे हैं, आगे चलेंगे भी, अभी भी लॉस में है। 10:20 हो चुके हैं, 195 लॉस में। देखिए इसमें जब से हमने ट्रेड शुरू किया है तब से लॉस में है, तो ये चांस है कि ये ट्रेड हमें आज लॉस में दे के जाए, क्योंकि ये एक बार भी ग्रीन नहीं हुआ है। लेकिन हम फिर भी देखेंगे हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई इसमें टिप नहीं मिलेगी हमें, कोई ना कोई ट्रिक लगाएंगे इसमें। आगे चलते हैं। मैं एक चीज बताना भूल गया डियर आपको, इसमें काम करना कभी भी आप ध्यान देना, जब भी आपका 2,500 3,000 के आसपास पहुंच जाए तो आप एक चांस लेके देख सकते हैं। क्योंकि देखो हमने यहाँ से, हमने जब शुरू किया ट्रेड हमारा यहाँ से माइनस में ही चला, एक बार भी ग्रीन नहीं हुआ, मतलब ये फुल चांस है कि हमें लॉस देगा आज ट्रेड ये। तो ऐसे भी दिन आएंगे आपको जब लॉस हो, तो इससे बचने का एक ही तरीका है। देखिए अभी आपको सी में 24,000 2,430 रुपये का बेनिफिट दिखा रहा है, इसमें 2,600 का लॉस। हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, इसका मार्केट प्राइस देखते हैं। देखिए हमने सी में एंट्री की थी 81.55 पे, और जिसका अब चल रहा है 105 रुपये के आसपास। तो आप इसमें 100 रुपये स्टॉप लॉस लगा दीजिए इसमें, कि अगर 100 रुपये पे आए तो बिक जाए आपका, फिर देखते हैं कि क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ दीजिए, पी को छोड़ दीजिए, सी में 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 5 मिनट आगे बढ़ाते हैं, 103, ये देखिए आपका लॉस में निकल गया समझ लीजिए यहाँ से सी। तो हम इसको जाने देंगे, अब यहाँ पे 100 रुपये में निकाल देंगे। ये ट्रेड हमें शुरू से लॉस दे रहा था, तो हम इसमें ये टेक्निक लगा के देखेंगे। हमने 100 रुपये में निकाल दिया है, मतलब सी आपका बिक चुका है, अब हमारे पास खाली पी ही बचा है बस। तो अब देखते हैं पी क्या करता है। पी की वैल्यू चल रही है अभी 68.65, जो कि हमने लिया था 91.25 पे, मतलब 2,200 के लॉस पे चल रहा है। 5 मिनट आगे बढ़ते हैं, 10:50 हो गए, अभी भी हम लॉस में हैं, पी की वैल्यू गिर रही है, कोई चिंता नहीं, आगे चलेंगे। चलते रहेंगे, अभी 12 बज चुके हैं, 70 हो गए। देखिए लॉस कम होना शुरू हो गया आपका, करंट वैल्यू बढ़ चुकी, करंट प्राइस बढ़ चुका है इसका पीई का। और ये देखिए जो हमने सी निकाला था वो हमने एग्जिट किया था 100 के प्रीमियम पे, प्राइस पे, और जिसके अभी अगर हमने रखा होता तो उसकी वैल्यू 91 चल रही थी, मतलब मैं बहुत लॉस दे रहा होता, हमने बहुत टाइमली निकाल दिया है। अब हम खाली रिकवरी कर रहे हैं पी से। देखिए पी का करंट प्राइस बढ़ता जा रहा है, 91 पे लिया था, 71 हो चुका, रिकवर हो रहा है, और आपका लॉस सिर्फ 55 रुपये का बचा है। आगे बढ़ेंगे, 925 रुपये लीजिए दोस्तों, आपका टारगेट पूरा हो गया। दूसरा टारगेट आ गया डायरेक्ट इसमें, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमने सी निकाल के पी को कंटिन्यू किया, तो पी ने आपकी रिकवरी पूरी कर दी। अब क्या करना है, इसको 75 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, अगर 75 पे जाए तो ये आपका पी बिक जाए, आप बेनिफिट में आ चुके हैं, आप लॉस में तो घर जाना ही नहीं है आपने, तो 75 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए यहाँ पे। 5 मिनट आगे बढ़ते हैं, 80, 93, देखिए 2,000 का प्रॉफिट हो चुका है आपको, जो ट्रेड आपको लॉस दे रहा था अब वो 2,000 का बेनिफिट दे रहा है। हमने क्या लगाया था यहाँ पे स्टॉप लॉस, 70 का लगाया था आई थिंक। तो दोस्तों 3 जनवरी को हमने ऑलमोस्ट 2,000 के आसपास का बेनिफिट निकाल लिया, जो ट्रेड हमें शुरू से लॉस दे रहा था हमने उसमें निकाल लिया एक छोटी सी ट्रिक यूज करके। तो चलिए अब हम 4 तारीख को आ गए हैं, मतलब वेडनेसडे को आ गए हैं, 5 तारीख की एक्सपायरी है। अब देखते हैं टाइम 9:20 का हुआ है, 5 मिनट आगे बढ़ाएंगे, 9:25 पे मार्केट की वैल्यू चल रही है 18,223, मतलब 18,200 के पास में है, तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। तो हम यहाँ से 18,200 का ट्रेड लेंगे, सी में आएंगे सबसे पहले 18,200, सी ये ले लिया हमने यहाँ से 2 लॉट, और सेम एटीएम 18,200 पी साइड में जाएंगे वहाँ के भी 2 लॉट ले लेंगे। तो देखते हैं कितना मार्जिन लग रहा है, इसमें लग रहा है 13,220 रुपये का मार्जिन। तो चलिए 5-5 मिनट आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इसमें क्या बेनिफिट निकलता है हमें। 5 मिनट लॉस देर, इसमें भी हमें शुरू से लॉस स्टार्ट हुआ है, तो हम इसमें भी कोई ना कोई ट्रिक ही लगाएंगे अब। तो अभी आगे देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा पहले।
बेनिफिट आ गया है टाइमली, हमें चिंता की बात नहीं। 210 लीजिए दोस्तों, 955 पे आप हमारा पहला पहला नहीं दूसरा टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। मैं इसमें भी वैल्यू डाल दूँ इसकी, हमारा सेकंड टारगेट अचीव हुआ था हमारा इसमें 2000 का, और पहला हुआ था हमारा 925 का। पहला लो या दूसरा बोलो, जो भी बोलो, तो मैक्सिमम हमें प्रॉफिट था। अब हम चार में काम कर रहे हैं, चार में हमें 910 रुपये आ चुका है, तो मैं इसको 910 रुपये लिख देता हूँ यहाँ पे, और आप निकल सकते हैं। ये भी हमारा ट्रेड प्रॉफिट में था, ये भी प्रॉफिट में गया है 4 तारीख वाला। स्मॉल ट्रेडर जो हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो यहाँ से निकल जा रहा है आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 910 रुपये बहुत होते हैं आपके, खाली आधे घंटे में आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ठीक 910 रुपये मिल चुके हैं हमें, हमारा मतलब पहला नहीं सेकंड टारगेट बोलूंगा मैं, क्योंकि पहला 500 रहता है, सेकंड टारगेट पूरा हो चुका है। चाहे तो आप निकल सकते हैं, पूरा ट्रेड क्लोज कर दीजिए, निकल जाइए। अगर आपको रिस्क लेना है थोड़ा सा और आगे जाना है कि देखते हैं क्या होता है इसमें, तो चलते हैं आगे। 955 हो चुके हैं हमारा टारगेट, क्यों हमारा टारगेट पूरा हो चुका है 955 पे, लेकिन आगे बढ़ना है तो बढ़ते हैं, देखते हैं क्या रहता है। 5 मिनट आगे बढ़ाते हैं। लीजिए 10 बजे 2190 रुपये का बेनिफिट दे दिया है। इसका प्रीमियम वैल्यू क्या चल रही है, पी की वैल्यू देखिए 51 पे लिया था, 114 हो चुकी है। यहाँ तो ट्रेड आप क्लोज कर ही दीजिए, अपने रुकने का कोई फायदा ही नहीं है। 2190 रुपये आपको मिल चुके हैं यहाँ पे भी, और 21 डेट का है, 4 तारीख का। 2190 रुपये आपको मिल चुके हैं, ट्रेड क्लोज कर दीजिए। अगर फिर भी अपने देखना है कि हम क्लोज नहीं करते, आगे जाते हैं, तो क्या रहता है। 5 मिनट आगे बढ़ेंगे, कम हो गया आपका बेनिफिट, कम होता जा रहा है, मार्केट गिर रहा है। 1200, 690, 540, 180। 11:10 का टाइम हो चुका है, हमने ट्रेड को रिस्क लेके आगे चलाया, देखा क्या होता है। 3030 रुपये का बेनिफिट हो चुका है, 3030 रुपये का बेनिफिट हो चुका है आपको। अब ट्रेड में रुकने का मतलब ही नहीं है, निकल जाइए यहाँ से। तो चलिए अब नेक्स्ट डे ट्राई करते हैं कि 5th को क्या रहता है आपका, मतलब एक्सपायरी वाले दिन क्या रहता है। रीसेट कर देता हूँ वैल्यू में, 9:20 का टाइम हुआ है, 5 मिनट आगे बढ़ लेते हैं। अभी चल रहा है 18043, नहीं ये राउंड फिगर में आ रहा है बीच में, इसमें नहीं देंगे हम ट्रेड, आगे बढ़ेंगे। 74, 18074, मतलब भी 18100 के नियर बाय पहुंच चुका है। अब हम ट्रेड लेंगे, 18100 का ट्रेड लेंगे, 18100 का। हम यहाँ से 2 लॉट ले लेंगे सी के, और 2 लॉट ले लेंगे पी के। हमारा मार्जिन अब कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी डे है, प्रीमियम कम होते जा रहे हैं। 8,990 रुपये में हमें दो दो ट्रेड, मतलब 4 ट्रेड मिल चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दीजिए 9:35 पे ही आपको 1000 रुपये दे दिए, मतलब विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर ही बेनिफिट दे दिया है उसने। अब मैं पहला टारगेट बोलूँ या सेकंड बोलूँ, पहले में लिख लेते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये लीजिए, पहले लिख लिया मैंने इसको, ट्रेड से बाहर आ जाइए, रुकने का मतलब नहीं है। चलिए, लेकिन वही रिस्की ट्रेडर से हम तो खेलेंगे आगे। चले देखते हैं, कम हो गया बेनिफिट आपका, 2000, 9:45 पे 2120 रुपये मिल चुके हैं। ये सारे टारगेट पूरे हो गए हमारे, तो कितने मिनट में हो रहा है सब, देखिए 9:45, 15 से 20 मिनट में आप 2000 रुपये लेके घर जाएंगे। सिस्टम क्लोज कीजिए, मोबाइल क्लोज कीजिए, बंद कीजिए, कुछ नहीं खोलना है। इसके बाद दोबारा मार्केट में आओगे, पैसा जेब से लेके जाओगे। चलो ये तो हो गया, इसके बाद एक और देखते हैं। मानो चलो अब टेस्टिंग के लिए टेस्ट करते हैं इसको, हमने ट्रेड नहीं ले रहे, हम देखते हैं हम आगे बढ़ते से तो क्या होता है। 5 मिनट आगे बढ़ाते हैं, 2380, 2000, ठीक है, बेनिफिट हम ले चुके हैं अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2850 रुपये, 2850 रुपये अगर आप ट्रेड में रहते हैं तो 2850। अब तो जी आपकी जगह मैं होता तो मैं खुद ही भाग जाता ट्रेड क्लोज करके, मैं तो चलता ही नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आपको 1, 2, 3, 4 दिन की मैंने कंटिन्यूस आपको इसमें ट्रेडिंग करके दिखा दी है, बाकी मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप खुद से करना। अगर आपको नहीं, आपके पास ऑप्शन अकाउंट, तो मुझे बताना, मैं आपको दे करके दूंगा। लेकिन मैं जस्ट आपको
आइडिया दे रहा था कि कैसे होता है ये। अगर मैं इसको टोटल करता हूँ जो हमने अभी तक 4 दिन में कमाया है तो वो है 8,915 रुपये। खाली 1, 2, 3, 4 दिन में आपने 20,000 रुपये के अमाउंट के साथ इतना बना लिया है। अब बताइए दोस्तों कैसी लगी स्ट्रेटजी मेरी ये। अगर आपको अच्छी लग रहा है, कुछ वीडियो पसंद आ रहा है, लग रहा है कुछ वैल्यू है, आराम से कर सकते हो। उसमें देखो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया मैंने, कुछ इंडिकेटर नहीं देखा है, मार्केट नहीं देखी है, सीधा आया हूँ अपना मैंने ट्रेड लगाया। कैसे लगा आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों ऐसे ही ट्रेड लीजिए, डेली बेनिफिट कमाइए। अगर आप 2-3 महीने भी ऐसे कर गए तो आपका 20,000 का अमाउंट 1,00,000 रुपये बनते टाइम में लगेगा। तो दोस्तों पसंद आ रही वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, मोटिवेशन दो मेरे को, मोटिवेट करो और अच्छी वीडियोस लाऊंगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।